नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खेदड़ में किसान व पुलिस के बीच में हुई झड़प में एक किसान की मौत निंदनीय है। इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किस स्तर पर गलती रही है और उसके बाद ही सरकार आगामी कार्यवाही करेगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रविवार रात को जींद के अर्बन एस्टेट स्थित जजपा कार्यालय में ही रुके हुए थे, जहाँ पर सुबह उन्होंने जजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उसके बाद लोगों की समस्याओं को सुना, जहाँ पर अधिकारियों को मौके पर ही उनका समाधान करने के आदेश दिए। जजपा के कुछ विधायक नाराज होने के सवाल पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विधायक उनके हैं और उनको संभालेंगे, जो नाराजगी है उसको मिल बैठकर दूर कर लेंगे। प्रदेश में विधायकों को फोन पर मिल रही धमकी के मामले में डिप्टी सीएम ने कहा कि कुछ आपराधिक किस्म के लोग विदेश में बैठे हुए हैं और वह दहशत फैलाने के लिए इस तरह की धमकियां देते हैं। साइबर क्राइम की टीम उन मामलों को सुलझाने में लगी हुई है और उनको उम्मीद है कि जल्द ही साइबर क्राइम की टीम आईपी एड्रेस के माध्यम से धमकी देने वाले आरोपितों को ट्रेस कर लेगी। किसी भी सूरत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि डीसी व ठेकेदार प्रथा को खत्म करने की शुरुआत में कुछ दिक्कतें सामने आई थी। पिछले 8 माह में अधिकतम दिक्कतों को दूर किया गया है। कौशल विकास के तहत आर्थिक आधार पर कमजोर परिवार के युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। कौशल विकास योजना के तहत अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। आने वाले समय में युवाओं को रोजगार देना आसान होगा।